हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबका स्वागत मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, द फ्रेंडली मंगूज। मंगूज जो एक जानवर है जो कि फ्रेंडली है, यानी जो हमारा फ्रेंडली मंगूज है उसके विषय में जो कहानी है क्लास सिक्स की, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी बातें बताई गई हैं ऊपर में। यस, अ फार्मर हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन अ विलेज। गांव में रहते हैं किसान, उसकी पत्नी और उनके बच्चे। देयर वॉज ऑल्सो बेबी मंगूस इन द हाउस। उस हाउस में बेबी मंगूस भी रहते हैं, हु दे बिलीव वुड बी देयर सन्स कंपनी एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, कि उसके बच्चे का भविष्य में दोस्त बनेगा मंगूस। तो ये चीज़ें बताई गई है। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विथ मंगूस। एक दिन फार्मर उसकी वाइफ जो है बच्चे को छोड़ करके चले जाते हैं मंगूस के भरोसे। तो चलिए ये कुछ संक्षेप में बताया गया था, कहानी को हम लोग विस्तार से समझेंगे, ठीक है। यस, Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी उनके साथ अपने साथ अपने छोटे बच्चे के साथ, यानी किसान उसकी पत्नी और छोटे बच्चे जो उनके बच्चे थे वो गांव में रहते थे। They loved him very much. वो दोनों मियाँ बीबी यानी किसान और उसकी पत्नी बच्चे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। अब किसान जो है अपनी पत्नी को बोलता है कि हमें एक जानवर होना चाहिए ना, पालतू जानवर होना चाहिए। पेट का मतलब होता है पालतू जानवर, ठीक है। व्हेन आवर सन ग्रोज अप द ही विल नीड अ कंपेनियन। वो इसलिए कहता है क्योंकि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी चाहिए ना। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। और किसान कहता है कि जिस पेट को हम लाएंगे, जो जानवर को लाएंगे, वो हमारा बेटा का साथी होगा। अब इस बात को उसकी वाइफ ने भी लाइक किया, इस आइडिया को उसकी वाइफ ने भी लाइक किया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टीनी मंगूस। एक दिन शाम में क्या होता है कि वो जो किसान अपने साथ एक छोटा सा मंगूस को लाता है, इट्स अ बेबी मंगूस, छोटा मंगूस था। एंड सेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ कहती कि तो छोटा मंगूस है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, कि बहुत जल्दी ये बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, यह हमारे बेटे का दोस्त होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं, इसके आगे जो क्या बताई गई है उसको हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। ये आप फिगर देख रहे हैं कि बच्चा है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, मंगूस है यहाँ पे नीचे, ठीक है। चलिए, बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रो। मंगूस और बेबी दोनों फिर बढ़ते गए, क्योंकि दोनों बच्चे थे। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5-6 महीने में मंगूस बड़ा हो गया, जितना साइज होना चाहिए उतना बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल विथ 2 shining black eyes एंड अ बसी टेल। एक बहुत सुंदर वो जानवर जिसकी दो आंखें ब्लैक आंखें हैं, उसके पूछ जो थे उसमें बिस्से थे, बहुत ज़्यादा वो रोमा इत्यादि मौजूद थे। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। और उस किसान का बच्चा जो था वो तो छोटा ही रह गया, 4-5 महीने में कितना बड़ा बच्चा होगा। और वो क्रैडल जो झूलना होता उसमें सोता और रोता। छोटे बच्चे का जो काम है अल्टरनेटली, वो कभी रोता कभी सोता। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी मार्केट जाना चाह रही थी। सी फेड द बेबी एंड
लॉक हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। वो क्या करती है, बच्चे को दूध पिला करके, उसे खिला करके, उसे लॉक कर देती है उस क्रेडल में, जिस क्रेडल में वो सोता था, जो पालना था उसमें। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट को उठाया, सी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ द मार्केट, और अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं मार्केट से आती हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, और कहती है कि बेबी पे ध्यान रखना, उस पर नज़र रखना, वो सो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसे इरेज कर देता हूँ। यस, आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोस, वो सोचती हैं कि सच बताऊँ तो मुझे कभी अपने बच्चे को इस मैंगोस के साथ छोड़ना पसंद नहीं है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, से द फार्मर, फार्मर कहते हैं, किसान कहता कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, मंगूस जो है एक फ्रेंडली एनिमल है, हमारा दोस्त है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो, ये उतना अच्छा है जितना हमारा बच्चा है, और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तुमको पता है ना। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू in the house decided to go and take a look at his fields not far away. अब उसकी वाइफ तो बाजार चली गई, अब फार्मर भी जो है घर में कोई काम नहीं था, तो वो भी उसने भी सोचा कि चलो खेत को जरा देख करके आते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही था, ठीक है। He ran into some friends on the way, और रास्ते में उसे कोई दोस्त मिल गए, दोस्त के यहाँ चले गए। Back and didn't return for quite some time, और फिर उस समय लग गया, कुछ देर बाद तक भी वो वापस नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से देखना। द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग एंड कम बैक, अब किसान की पत्नी ने अपना काम कर लिया, बाजार का मार्केटिंग हो गया, और वापस वो आ गई होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज, और जो ग्रोसरीज सब्जियां वगैरह जो भी अपने बास्केट में अपनी टोकरी में लेकर के आ रही थी, वो लेकर के मार्केट से आ रही थी। सी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने देखा कि जो मंगूस है वो लग रहा था कि उसका इंतजार कर रहा था। और सिंग हर ही रैन टू वेलकम हर, और उसे देख करके, जो किसान की पत्नी है उसे देख करके उसकी ओर दौड़ा वो मंगूस, एज वॉज कस्टमरली, वो बहुत तेजी से दौड़ा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड, और किसान की पत्नी उसे देख करके चिल्लाने लगी, ब्लड सी क्राइड। द फेस एंड पाव्स ऑफ मंगूस वर सिमर्ड विथ ब्लड, ये इसलिए चलाई चूँकि उस मंगूस के पाँव और उसके मुंह में काफ़ी ब्लड लगे हुए थे, खून लगे हुए थे। यू विकेड एनिमल यू हैव किल्ड माय बेबी, अरे तुम बदमाश जानवर तुमने मेरी बेबी को मार डाला। द सी स्क्रीम हिस्टेरिकली सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ बाउड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, और उस बच्चे के बारे में सोच करके और उस मंगूस के मुंह में उसके पंजे में जो खून लगे थे उसके बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा वो पागल हो गई, और फुल भरा हुआ ग्रोसरी जो वो ला रही थी वो क्या करती है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं। ब्रॉट डाउन हैवी ग्रोसरी बास्केट, On the blood simmered mongoose and ran inside the child's cradle. तो जो basket ले आ रही थी उस basket को, जो भारी basket था वो जो mongoose थे उसके ऊपर पटक दिए, यहाँ देखो पटक दिया, पूरा भरा हुआ basket, और भीतर चले गई वो cradle के पास जो झूलना था बच्चे का, वहाँ देखने के लिए कि आखिर बच्चे को उसने क्यों काट दिया। The baby was fast asleep. But on the floor lay a black snake torn and bleeding.
वहाँ उसने देखा कि बेबी तो सो रहा था, लेकिन जो सांप था वो बिल्कुल काट काट दिया गया था, सांप को चीरा हुआ सांप था बगल में, बड़ा सा काला सा सांप सांप था, वो उसे मार दिया था उस मंगूज ने। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। अचानक उसे अब ध्यान आया कि अब क्या हो गया, हमसे क्या हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई। वो सोचने लगी कि जिसे मैंने मारा उसने तो मेरे बच्चे को बचाया। She ran out looking for the mongoose. Oh, you saved my child. You killed the snake. Oh, उस मंगूज के प्यार में वो पागल हो गई और कहने लगी कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा। What have I done? और मैंने क्या किया? She cried, touching the mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing. अब तो मंगूज मर चुका था, उसे छू छू करके उस किसान की पत्नी ने काफ़ी रोया। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रेसली स्टेयर लॉन्ग एट द डेड मंगूज। उस मंगूज को, मरा हुआ मंगूज को देख देख करके उसे रोना आ रहा था। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग। और तभी वह देख सुनती है कि उसके बेबी जो है वो रोने लगता है। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन द इन टू फीड हिम। अपने आंसू को पोंछते हुए वह अपने बेबी को खाना खिलाने के लिए चली जाती है। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी अब ज़रूर से ज़रूर बताना। ये बेहतरीन कहानी आपको कैसी लगी अब ज़रूर से ज़रूर बताना। ये जो कहानी है ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये पंचतंत्र से लिया गया है। ये कहानी जो है ये पंचतंत्र से लिया गया, अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, जो प्रेमचंद की कहानी है वहाँ से लिया गया है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।